दोस्तों आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ CISM रिव्यू मैनुअल का जो लेटेस्ट एडिशन है 16th एडिशन, इसकी प्रिपरेशन की कंप्लीट वीडियो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और आज ही मेरा पहला वीडियो है चैप्टर 1 का, जो कि है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। ऐसे ही इसमें चार चैप्टर हैं और चारों ही चैप्टर मैं एक एक करके सारे टॉपिक मैं कवर कराऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, देखिए इंटरप्राइज गवर्नेंस। शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि चैप्टर 1 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज़ इंटरप्राइज गवर्नेंस एंड सेकंड पार्ट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं इंटरप्राइज गवर्नेंस क्या होता है। बेसिकली फ्रेंड्स, इंटरप्राइज गवर्नेंस की जब हम कोई बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले इंटरप्राइज वर्ड आता है। और इंटरप्राइज में जब कभी मैं बोलूँगा तो आप, जब तक मैं अलग से ना बताऊं, आप ये समझिएगा कि मैं इंटरप्राइज आईटी की बात कर रहा हूं। अब इंटरप्राइज आईटी क्या होता है? सी, इंटरप्राइज आईटी का इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ती ही जा रहा है। व्हाई? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो NCI की जब कभी भी बात करते हैं किसी भी डेवलप्ड वर्ल्ड में जब कभी भी बात करते हैं तो वो ज़्यादातर कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा ही किसी भी डेवलप्ड वर्ल्ड में नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर इंटरप्राइज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसोर्स प्रोटेक्शन की कभी बात करते हैं सो वो बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। और वो कंपोनेंट हैं गवर्नेंस और मैनेजमेंट, और ये इन्होंने डिराइव किया है फ्रॉम कोविड 19 फ्रेमवर्क यू कैन से कोविड 19 फ्रेमवर्क से दो कंपोनेंट डिराइव हुए हैं। वन इज़ गवर्नेंस एंड अनदर इज़ मैनेजमेंट। अब समझते हैं गवर्नेंस क्या होता है। सी, गवर्नेंस बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये इंश्योर करता है नीड, ज़रूरत को इंश्योर करता है। किसकी? स्टेक होल्डर की ज़रूरत को इंश्योर करता है कि वो मीट हो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके साथ। मतलब क्या है इसका, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल का बिजनेस करती है, ओके। रिटेल के बिजनेस हेड ने कहा कि भाई, कंसीडरिंग नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, वी वांट कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सीसॉक होना चाहिए। सीसॉक इज़ व्हाट? साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशनल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए उसने, देयर मस्ट बी सर्टेन बजट और समथिंग। सो जैसी गवर्नेंस के पास ये रिक्वायरमेंट आती है, गवर्नेंस इंश्योर करता है कि ये जो नीड है, नीड क्या है? टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीसॉक। किसने दिया? स्टेक होल्डर कौन है? बिजनेस हेड। ये हमें कहीं ना कहीं मीट होनी चाहिए, और इसके लिए वो क्या करेगा, वो इवैल्यूएट करेगा इस नीड को, इवैल्यूएट करेगा इस नीड को, और उस नीड को वो इंश्योर करेगा कि ये जो नीड है और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों में बैलेंस बना रहे। मतलब सी, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंटरप्राइज इज टू इंश्योर दैट कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो, ठीक है। अब अगर हम लोग सीसॉक एस्टेब्लिश करते नहीं करते मान लीजिए, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा? बिल्कुल होगा। बट क्या उस पर कोई रिस्क है? यस। अगर कोई साइबर सिक्योरिटी अटेम्प्ट सक्सेस हो जाता है
तो ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड वैल्यूज़ का प्रॉफिट डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। तो इसके लिए अगर वो जब इवैल्यूएशन करता है गवर्नेंस टीम, देन दे विल फाइंड आउट कि अगर हम लोग इस सीसॉक इस्टेब्लिश करते हैं, सो इन केस वी नीड $10 मिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट दैट्स गोइंग टू इम्पैक्ट, अगर हमारा इसकी वजह से अगर हमारा प्रॉफिट इम्पैक्ट करता है लेट्स से 12 मिलियन, सो इट्स गुड इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट द सीसॉक विथ $10 मिलियन। ठीक है, सो ये इवेल्यूएशन करने का काम गवर्नेंस करता है, और इसके अलावा एक काम और भी करता है गवर्नेंस। बेस्ड ऑन दिस इवेल्यूएशन वो डायरेक्शन देता है कि क्या करना चाहिए, DIRECTION, वो डायरेक्शन भी देता है। डायरेक्शन किसको देता है वो हम लोग अभी मैनेजमेंट जब समझेंगे तब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो वो डायरेक्शन देगा कि ठीक है, सीसॉक इस्टेब्लिश करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, सीसॉक में भी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग को लाना चाहिए, सिम लाना चाहिए, पिम लाना चाहिए, DLP लाना चाहिए, या फिर वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट चाहिए, VAPT चाहिए, या क्या क्या करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, वो सब इवेल्यूएशन हम लोग को गवर्नेंस में इवेल्यूएट करना पड़ता है। ठीक है, और फिर उसके बेसिस पर डायरेक्शन देता है। मैनेजमेंट का काम क्या आता है, जो भी डायरेक्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो चार काम करता है। पहला काम करता है कि वो प्लानिंग बनाता है। ठीक है, प्लानिंग बनाएगा कि हाउ वी कैन, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन हाउ वी कैन इंश्योर दैट जो भी डायरेक्शन मिला है वो हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए। पहले उसका प्लान बनाएगा, फिर उस प्लान को बिल्ड करेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा, और लास्ट में एग्जीक्यूशन के बाद वो उस पर क्लोज आई रखेगा, नज़र रखे रहेगा, वो करेगा हमारा मॉनिटर के द्वारा, वो मॉनिटरिंग करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा और देखेगा, क्या देखेगा कि वो अलाइंड है कि नहीं, अलाइनमेंट चेक करेगा, ALIGNMENT। एक सेकेंड, इसका फिर से लिख देता हूँ। वो अलाइनमेंट चेक करेगा, अलाइनमेंट किसके साथ चलेगा, किसके साथ चेक करेगा, विथ द गिवन डायरेक्शन, विथ द डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन दिया था, गवर्नेंस, डायरेक्शन सेट बाय द गवर्निंग बॉडी और गवर्नेंस। ठीक है, और ये करने के बाद वो ये भी चेक करेगा कि क्या हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरप्राइज लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो रहा है कि नहीं मीट हो रहा है, टू अचीव, इतना सब क्यों कर रहा है, टू अचीव इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा कि नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब कभी भी करते हैं तो डेवलप वर्ल्ड में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा, और वो बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट COVID-19 फ्रेमवर्क का फॉलो करते हैं, और वो फ्रेमवर्क में दो कंपोनेंट हैं, गवर्नेंस और मैनेजमेंट। गवर्नेंस बेसिकली इंश्योर करता है जो स्टेक होल्डर की नीड है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मीट होती है कि नहीं होता है, वो उसको इवेल्यूएट करता है, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मीट हो रही है कि नहीं मीट हो रही है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए एक रिटेल बिजनेस में जो बिजनेस हेड है वो एक एक नीड लेके आता है, एक रिक्वायरमेंट लेके आता है कि हम लोग को सीसॉक इस्टेब्लिश करना चाहिए, तो जो गवर्निंग बॉडी है वो पहले उसको इवेल्यूएट करेगी, फिर वो चेक करेगी कि इस नीड को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर रही है कि नहीं, या उसमें बैलेंस बन रहा है कि नहीं। बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये यह है कि ऐसा ना हो कि हमारी नीड इतनी ज़्यादा है, हमारा प्रॉफिट ही लेट्स से साल भर का 20 मिलियन हो रहा है, बट हमारी इस नीड को फुलफिल करने में ही हमारा 30 मिलियन लग जा रहा है। सो हमें ऐसा भी नीड नहीं चाहिए,
हमें ये देखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ बैलेंस बना के रहे, ठीक है। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमें 12 मिलियन का लॉस हो सकता है, बट अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं विच कॉस्ट ओनली 10 मिलियन डॉलर, तो हमारा ये 12 मिलियन का लॉस नहीं होगा और हमारा एक रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो जाएगा। इसको भी इतना इवेल्यूशन करने के बाद गवर्निंग बॉडी एक डायरेक्शन देती है, एक किसको देती है, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट क्या करती है, इस डायरेक्शन बेसिस पर प्लान बनाती है, उसको बिल्ड करती है, उसको रन और एग्जीक्यूट करती है और फाइनली इसको मॉनिटर करती है। मॉनिटर क्या करेगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़, इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी उसने इम्प्लीमेंट करी है वो देखेगा कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो डायरेक्शन सेट किया गया था गवर्निंग बॉडी के ने, वो अलाइन है कि नहीं है। अगर हम चाहते थे कि हमारी टेक्नोलॉजी है जो डेटा लॉस को प्रोटेक्ट करे, तो DLP टेक्नोलॉजी या DLP का जो भी टूल हमने लगाया है, क्या उसके बाद वो प्रोटेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और जब अगर वो हो पा रहा है, दैट मीन्स हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है टू मेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये सारे इवेल्यूशन करता है कौन, मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक क्लियर हुआ इंटरप्राइज IT गवर्नेंस और मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा अगर कोई डाउट आता तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर इतना सब करने के बाद भी अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में IS इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फेल हो जाता है, तो फेलियर किसका रहेगा। वो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, क्या वो फेलियर मैनेजमेंट का है, क्या वो किसी स्टेक होल्डर का फेलियर है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्या वो टेक्नोलॉजी का फेलियर है, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्या वो गवर्नेंस का फेलियर है। अगर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं एग्ज़ाम में, मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर, टेक्नोलॉजी या गवर्नेंस, आप ये मान के चलिएगा टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द लीस्ट कंसीडर्ड वेन एवर इट कम्स टू द फेलियर। क्यों? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट सर्टेन टूल्स, और वो टूल में जो कॉन्फिगर आप करेंगे वो वैसा ही बिहेव करेगा, राइट। सो इसमें टेक्नोलॉजी का कोई भी गलती नहीं माना जाएगा, या अकेले टेक्नोलॉजी का गलती नहीं माना जाएगा, फेलियर नहीं माना जाएगा। दैट वॉज प्योर फेलियर ऑफ गवर्नेंस, बिकॉज जो गवर्निंग बॉडी ने जो डायरेक्शन दिया था वो टेक्नोलॉजी परचेज करी गई थी, वो टेक्नोलॉजी को ही मैनेजमेंट ने प्लान किया था, बिल्ड किया था, रन किया था और बाद में मॉनिटर किया था। सो ये गवर्निंग बॉडी का ही डायरेक्शन था जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया और वही कॉन्फिगर किया, बट समहाउ अगर वो नहीं चल पाया और कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फेलियर होता है, सो दिस इज़ ए फेलियर ऑफ गवर्नेंस, नॉट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर मान लीजिए हम लोग को सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, अगर हम लोग को सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए, या हमें हमारा स्ट्रेटजी है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करना है या मॉनिटर करना है, और उसमें ये देखना है कि वो अच्छे से हो, उसमें भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ये चीज़ का ध्यान रखें कि कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फेलियर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। सो इसमें अकाउंटेबिलिटी बिल्डअप किसकी होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टॉप टू बॉटम रहता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच रहता है अकाउंटेबिलिटी के मामले में, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम में कौन कौन लोग आ जाएंगे, एक तो सीनियर मैनेजमेंट आ जाएगा, सीनियर मैनेजमेंट जिसमें आपके CISO, CIO, CFO ये सब आ जाते हैं, CISO, CIO, CFO आ जाएगा। और दूसरा हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कौन होते हैं, जो मालिक होते हैं कंपनी के, ओनर होते हैं, जिनका स्टेक उसमें लगा हुआ है, जिनका पैसा लगा है, जिनका इंटरेस्ट है। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, Why we want senior management and board of director to be accountable? So that they must provide the necessary leadership. यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, necessary leadership, पहला पॉइंट। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, अलग कलर में।
दूसरा पॉइंट आ जाता है लीडरशिप के अलावा भी तो आपको और चीज़ें चाहिए होगा, आपको ऑर्ग स्ट्रक्चर चाहिए होगा। वो कौन देगा? वो भी सीनियर मैनेजमेंट ही देगा। आपको रिसोर्स हायरिंग कौन करेगा? रिसोर्स हायरिंग करने का बजट कौन निकालेगा? वो सब भी तो और ये सीनियर मैनेजमेंट ही करेगा। फिर आपको दूर का विज़न भी वही बताएगा, बिकॉज उनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है वो उसके हिसाब से ओवरसाइट, आपको दूरदृष्टिता वहीं से ही पता चलेगी, दूरदृष्टि जो कहते हैं। फोर्थ इसमें आ जाता है, आपको रिसोर्सेज देंगे। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो प्रोसेस इस्टेब्लिश करने में आपकी मदद करें, प्रोसेस को इन्फोर्समेंट कराते हैं, ठीक है, टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट। ये इंटीग्रल एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट, इतना इंटरेस्ट आपका सीनियर मैनेजमेंट क्यों लेगा? बिकॉज दे वॉन्ट टू इंश्योर कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी एक इंटीग्रल और ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा। किसका? ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ इंटरप्राइज गवर्नेंस। एक इंटरप्राइज लेवल पे भी तो गवर्नेंस होती है ना, एक गवर्नेंस होगी आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, और एक होती है हमारी इंटरप्राइज लेवल पे जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, ठीक है, वो इंटरप्राइज गवर्नेंस। सो उस इंटरप्राइज गवर्नेंस का ही एक पार्ट हम लोग कंसिडर करेंगे इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। सो जब आप इन लोगों को अकाउंटेबल नॉट आप मतलब जब सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकाउंटेबल होते हैं, सो वो आपको इतना डेटा या इतना इन्फॉर्मेशन या इतना हेल्प कर सकते हैं। वो आपको लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, वो आपको ओवरसाइट दिखाएंगे, आपको लॉन्ग टाइम विज़न आपको आपको शेयर करेंगे सो दैट यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली, एंड देन आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रोसेस स्टेब्लिश करने में, इन्फोर्समेंट करने में आपकी हेल्प करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी भी एक इंटीग्रल और ट्रांसपेरेंट पार्ट है किसी भी इंटरप्राइज गवर्नेंस का, ठीक है। सो ये हो जाता है हमारा एक पॉइंट इंटरप्राइज गवर्नेंस का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वैल्यू क्रिएशन। अब वैल्यू क्रिएशन क्या होता है समझते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग कम से कम 4 क्वेश्चन अभी भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे या एक बार पढ़ेंगे, सो दैट आपको जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपको उसका भी आइडिया लगेगा। सो जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको साथ में पढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। सो इंटरप्राइज सॉरी तो वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? सी कोई भी इंटरप्राइज होती है ना, आई थिंक मैंने ब्लू कलर लिया था, ये रेड कैसे हो गया। कोई भी इंटरप्राइज कभी भी अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट वर्क इज टू क्रिएट सर्टेन वैल्यू। अगर किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई वैल्यू रहेगी तभी तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और ये वैल्यू किसके लिए होनी चाहिए? उनके स्टेक होल्डर के लिए, ठीक है, चाहे वो इंटरप्राइज कॉमर्शियल हो या कोई सर्विस बेस्ड हो। कॉमर्शियल हो या ना हो उसको कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करनी ही पड़ेगी फॉर देयर स्टेक होल्डर्स के लिए। और वैल्यू क्रिएट करने का एक कोबिट फ्रेमवर्क में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया था, गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव इज़ वैल्यू क्रिएशन,
गवर्नेंस इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर एनी इंटरप्राइजेस, वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन फॉर हुम, टू देयर स्टेक होल्डर। जैसे कि स्टेक होल्डर की स्पेलिंग गलत हो रही है, फॉर देयर स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर की ज़रूरत के हिसाब से, स्टेक होल्डर की नीड्स के हिसाब से जो भी इंटरप्राइज है उसकी गवर्निंग बॉडी को वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये आप कैसे मीट करेंगे, आप ये कैसे वैल्यू क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को कैटर करना पड़ेगा। वन इज बेनिफिट रियलाइजेशन, बी एनी आपको बेनिफिट का रियलाइजेशन होना चाहिए कि अगर आप स्टेक होल्डर की नीड्स को फुलफिल करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट होगा। उसके साथ ही आपको रिस्क को भी ऑप्टिमाइज करना होगा। ये अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, आप उस एग्जांपल को सोचिए, तीनों ही जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये उसमें कैटर हो रहा है। एंड देन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, मैं आपको फिर से बताता हूँ, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। सी देखिए क्या होता है, मैंने एग्जांपल लिया था, एक स्टेक होल्डर की नीड आई थी सी सॉक इस्टेब्लिश करने को। ठीक है, अब ये स्टेक होल्डर की नीड मान लीजिए गवर्निंग बॉडी के पास आती है, अब वो देख रहा है कि क्या ये सी सॉक की, सी सॉक जस्ट सेकेंड, सिक्योरिटी सॉरी साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशनल सेंटर, सी सॉक ज़्यादातर सॉक बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, बट हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो सी सॉक बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही टर्म सही हैं अपने आप में, नॉर्मली हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में सॉक बॉडी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सो बेसिकली हमने अभी जो एग्जांपल लिया था सी सॉक का, तो अगर हमें स्टेक होल्डर की नीड है कि हमें सी सॉक इस्टेब्लिश करना है, अब सी सॉक को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना रहेगा, हमें पहली चीज़ तो बेनिफिट रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर सी सॉक इस्टेब्लिश नहीं करते हैं तो फिर हमारा क्या नुकसान हो रहा है, और अगर करते हैं तो हमारे क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर नहीं करेंगे सो उस केस में हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा हो सकता है 10 मिलियन का फ़ायदा हो, अगर सॉरी अगर हमने इस्टेब्लिश नहीं किया तो हमारा 12 मिलियन का लॉस हो रहा है, बट अगर हमने इस्टेब्लिश कर दिया विच कॉस्ट ओनली $10 मिलियन तो हमारा फिर फ़ायदा भी हो सकता है। तो बेटर है कि हम लोग वो बेनिफिट रियलाइजेशन करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग अगर इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, मान लीजिए स्टेक होल्डर नीड को फुलफिल नहीं करते हैं, सो हमारा क्या नुकसान होगा, हमारे पास रिस्क क्या है। हमारा रिस्क एक तो है मॉनिटरी टर्म्स में, और दूसरा आता है ब्रांड वैल्यू, ब्रांड का भी और स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस भी हमारा लूज़ होता है, ब्रांड वैल्यू भी कम होती है, तो हमारे पास स्टेक होल्डर इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। ठीक है, एंड देन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, हमारे पास हो सकता है कि जब हम लोग सी सॉक इस्टेब्लिश ना कर रहे हों तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी हमने बहुत सारे रिसोर्स लगा रखे हैं जो सिक्योरिटी को सिक्योरिटी के एंगल से, बट हम लोग जब एक प्रॉपर प्रोसेस इस्टेब्लिश कर देते हैं देन इट विल हेल्प अस टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैटर करते हैं बेनिफिट रिस्क एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के, और ये भी हमारा इसाका कोविड 19 फ्रेमवर्क है, यूएसए 20180 का 118 का, जहाँ से ये फ्रेमवर्क लिया गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोविड के कुछ प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस एज वेल एज आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस।